वनाधिकार पट्टा से वंचित लोगों ने बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और बस्तर विधायक अखेश्वर बघेल से मुलाकात की। ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें सरकारी लाभ से वंचित किया जा रहा है। इसके लिए रेंजर, डिप्टी रेंजर, सरपंच और सचिव जिम्मेदार हैं। बनिया गांव के 50 मूल निवासी लखेसर बघेल के निवास पर पहुंचे थे और उन्होंने एक लिखित शिकायत पत्र उन्हें दिया। ग्रामीणों ने लखेश्वर बघेल से कहा कि सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी वन अधिकार पट्टा दिलाएं ताकि वे अपने परिवार के साथ रह सके। गाँव के लोगों ने कहा कि शासन ने सभी वर्गों को वन अधिकार पट्टा दिए जाने आदेशित किया है, मगर उन्हें सामान्य व पिछड़ा वर्ग समझकर वन अधिकार पट्टा नहीं बनाया जा रहा है, जबकि 1970 से वे उक्त भूमि पर काबिज है। गांव के 50 से अधिक ऐसे लोग हैं जिनका आवेदन ले लिया गया, मगर आज तक उन्हें वन अधिकार का पट्टा नहीं दिया है। बनिया गांव से आए ग्रामीणों ने विधायक लखेश्वर बघेल से फरियाद की है कि उन्हें भी शासकीय लाभ मिले और पट्टा बनाया जाए। ग्रामीणों ने बताया कि सचिव सरपंच द्वारा उनके आवेदनों को पंचायत भवन में रखा गया है। आगे की प्रक्रिया के लिए जिला कार्यालय नहीं भेजा गया, जिसके चलते उनके आवेदनों को निरस्त कर दिया गया है। अधिकार पट्टे को लेकर उस पर क्या कहेंगे? तो सरकार के स्पष्ट निर्देश है कि जो भी 13 दिसंबर 2005 के पहले जो भी कब्जा किया है उसको पट्टा देना है, लेकिन इन लोगों का शंका ये है कि आवेदन देने के बावजूद भी कुछ जमीनों को कुछ खनिज विभाग या राजस्व विभाग के द्वारा किनको पट्टा दे रहे हैं, ये किसको दिए नापने के लिए? उद्योगपति कहना चाहिए, मतलब जो रहे हैं, तो स्पष्ट अभी हुआ नहीं है, लेकिन राजस्व विभाग से मैं पत्र में इनको कलेक्टर को दे रहा हूँ इस संबंध में, और कलेक्टर से इनको निवेदन करने के लिए बोला हूँ वास्तविक क्या है, और इनका हक है पट्टा जरूर मिलेगा और इनको पट्टा मिल जाएगा। ठीक है, परिचय। ग्राम बनिया गांव का हूँ भैया। हम लोग महोदय जी के पास आए थे कि वन अधिकार पट्टा हमारे सामान्य पिछड़ा वर्ग को नहीं दिया गया है, तो इसीलिए महोदय के पास आए। तो जितने सन से आप कब्जा करो किए हो, सन 70-80 से हमारे बाप दादी समय से कब्जा किए हैं, वो मिल नहीं रहा है हम लोग को। बाकी आदिवासी को मिला है कि बाकी आदिवासी को भी नहीं मिला है, ये हम लोग को मिलना चाहिए भैया। इतने हमारा बाप दादी कब्जा किए हैं तो उसी हिसाब से मिलना चाहिए। अब शासन के हिसाब से तो पिछड़ा वर्ग सामान्य को भी देने के लिए माने आदेश कर दिए। अब यहाँ के अधिकारी थोड़ा लापरवाही कर रहे हैं, डिप्टी रेंजर हुआ, रेंजर हुआ, सरपंच सचिव के यहाँ वो का हम लोग जितने फार्म भर दिए हैं फार्म को वहाँ घर में रख दिए, अपना पंचायत भवन में रख दिए, तो आगे बढ़ेगा जनपद पंचायत तक, तभी तो पता चलेगा कि भैया की हम लोग का काम हो जाएगा बोल के वो घर में रख दिए हैं पंचायत भवन। तो आज हम लोग को पता चला इतने 50 आदमी को कि फार्म हम लोग का कैसे जमा नहीं हुआ, सभी लोग को पट्टा मिल रहा है शासन के हिसाब से मिल रहा है, तो हम लोग को क्यों नहीं मिला बोलने से वो लोग बोल रहे हैं कि आपका पट्टा निरस्त हो गया है। किस लिए निरस्त हुआ अब बताओ भाई, नहीं आपका फार्म तो नहीं गया है वहाँ कोना में पड़ा है पंचायत भवन में। एक पास गए डिप्टी एक आदेश को दिखाया कि भाई आप लोगों का निरस्त हो गया है। अरे भाई सभी आदमी को निरस्त नहीं हुआ, हमारा कैसे में निरस्त हुआ पिछड़ा वर्ग सामान्य का? अब क्या आश्वासन दिया आप लोगों? दादा ने बोले SDM के पास आप जाओ, सभी का काम हो जाएगा। अब SDM साहब अब लिखित में दे दिए दादा कि भैया आप वहाँ जाने से आप लोग का जहाँ जहाँ है वहाँ जाओगे, आपके वो जमीन को दिखाओगे फिर मिल जाएगा पट्टा, ऐसी कोई बात नहीं है, शासन से ऊपर से आदेश है बोले।